हेलो दोस्तों, क्या अमीर लोग और गरीब लोग सेम थिंकिंग रखते हैं? क्या ज़्यादा पैसा होना परेशानी का कारण है? क्या आपको पैसे से पैसा कमाना आता है? क्या पैसे कमाने का सीक्रेट आप जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टी हार्व एकर की लिखी बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की समरी लेकर आए हैं, जिसमें ऑथर ने बताया है कि अमीर लोग किस तरह की सोच रखते हैं जिसकी वजह से वो और अमीर बन जाते हैं। शायद आप भी अमीर लोगों की तरह सोचने लगे और एक दिन खुद भी बहुत सा पैसा कमाने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, अमीर लोग पैसे को क्रिटिसाइज नहीं करते। अमीर सोच रखने वाले लोग कभी भी पैसे को बुरा नहीं मानते, ना ही दूसरे अमीर लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि गरीब सोच वाले हमेशा अमीरों को क्रिटिसाइज करते हैं और बुरा भला बोलते हैं। आपने भी ये डायलॉग तो सुने ही होंगे, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऐसी सोच रखने वालों से क्या उम्मीद हो सकती है? यदि कोई ऐसी सोच रखेगा कि पैसा बुरा है, तो इससे आपके ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि पैसा बुरा है। ऐसे में ब्रेन कन्फ्यूज हो जाता है, वो समझता है कि पैसा बुरा है और उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए ऐसी सोच रखने वालों के ब्रेन में कभी भी पैसा कमाने के बड़े आइडियाज नहीं आते। इसलिए यदि आप भी ऐसे सोच रखते हैं तो इसे जल्दी से बदल दीजिए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शायद ही सुना होगा। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है तो हम भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करके तो अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यदि आप अपने किसी फ्रेंड को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या वो आपका फ्रेंड रहना चाहेगा? ठीक यही बात पैसे की भी है। इसे क्रिटिसाइज करोगे तो यह भी आपसे दूर ही रहेगा। इसलिए आज से ही सोचना स्टार्ट कीजिए, पैसा महान है अगर उसे पाना है तो। सेकंड, अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच। अमीर सोच रखने वाले ये सोचते हैं कि वे अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं। एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर ऐसी सोच रख ले कि वो अपनी लाइफ बदल लेगा तो सच में एक दिन वह अमीर बन सकता है। लेकिन अगर वह यह मान ले कि मैं तो गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ और यही मेरी लाइफ है, तो वह भी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। शूज की ग्रैंड कंपनी बाटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि पहले उसके मालिक मोची का काम करते थे, लेकिन अमीरों की तरह बड़ी सोच रखने के कारण आज वो अरबपति बन चुके हैं। अगर वो भी यही सोचते रहते कि वो तो मोची है, सारी उम्र यही काम करते रहेंगे, तो क्या वो कभी अमीर बन पाते? इसलिए आपको भी अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच रखनी चाहिए। थर्ड, रिच लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। अमीर बनने की सोच रखने वाले लोग मेहनत से नहीं घबराते, वे अपने काम से प्यार करते हैं और कई बार तो 16-16 घंटे भी इसमें जुटे रहते हैं। इंडिया के वर्ल्ड फेमस बैट्समैन सचिन तेंदुलकर दिन में 16-16 घंटे अपनी टेक्निक्स पर मेहनत करते थे। बहुत बड़े खिलाड़ी बनने के बावजूद भी उन्होंने रोज प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। मेहनत और लगन से काम करने के कारण ही वो इतने अमीर बन पाए। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले किसी भी काम में ध्यान नहीं देते, उन्हें सब कुछ पका पकाया चाहिए, आलसी होने के कारण सोते रहते हैं और इस तरह गरीब ही रह जाते हैं। मेहनत की आदत डालिए, तभी आप अमीर बन पाएंगे। फोर्थ, रिच लोग बड़ा बनने की सोचते हैं। जिसे अमीर बनना होता है वो हमेशा यही सोचता है कि वह किस तरह छोटे काम को भी धीरे धीरे बड़ा कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सफल खिलाड़ी बनना हो तो वो क्या सोचेगा? वो यही तो सोचेगा कि एक दिन ओलंपिक तक जाएगा। यह सोचने के बाद वो मेहनत भी उतनी ही करेगा और उतना ही अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा। लेकिन अगर वो छोटी सोच रखे और सिर्फ लोकल टीम में ही खेलने का सपना पाले तो उसकी मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी और वो इतना सक्सेसफुल खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। याद रखिए कि ओलंपिक खेलने वाले और लोकल टीम में खेलने वाले खिलाड़ी दोनों के पास टाइम तो सेम ही होता है, डिफरेंट होता है तो उनका सोचने का नजरिया और एटीट्यूड। इसलिए बड़ा सोचे और बाकियों से बेहतर बने। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा कमाएगा, अच्छा खिलाड़ी या बुरा खिलाड़ी, अच्छा वकील या बुरा वकील, अच्छा डॉक्टर या बुरा डॉक्टर? इसलिए अच्छे से अच्छा बनने की सोचे और मेहनत करें। फिफ्थ, रिच सोच रखने वाले सक्सेस पाने पर ध्यान देते हैं।
जिन्हें अमीर बनना होता है वो सिर्फ सक्सेस पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब सोच वाले बहानों पर। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि आप रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। अगर दोस्त की सोच बड़ी नहीं हुई तो वो आपको हजार मुश्किलें बता देगा, जैसे तुमने कभी रेस्टोरेंट चलाया भी है, पैसा कहाँ से आएगा, शायद कस्टमर को खाना पसंद ना आए। लेकिन ये सब बहाने हैं। इसके विपरीत अमीर सोच वाला व्यक्ति ऐसे सोचेगा, अगर मैंने रेस्टोरेंट नहीं चलाया तो जाकर किसी रेस्टोरेंट को देख आता हूँ, उसके ओनर से बात करता हूँ, ढूंढने से क्या नहीं मिल सकता। अगर पैसा नहीं हो तो बैंक से लोन लिया जा सकता है या एंजल इन्वेस्टर ढूंढे जा सकते हैं। अगर सिटी में सबसे अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए तो कस्टमर को खाना क्यों पसंद नहीं आएगा। इसी प्रकार अमीर सोच वाले गरीब सोच रखने वालों से बिल्कुल डिफरेंट और पॉजिटिव सोचते हैं। याद रखिए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही जाता है अगर पूरे मन से कोशिश की जाए तो। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड बुक को आप कुकू FM ऐप पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको हजारों बुक्स मिलेंगी जो आपको सही रास्ते पर चलना सिखाएंगी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सक्सेस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि आप दुनिया की बेस्ट किताबों को सिर्फ हिंदी में ही नहीं अपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हैं। इसे आप सबको वो नॉलेज मिलेगी जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कुकू FM ऐप पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा बुक समरीज मिलती हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी और आपके गोल्स को अचीव करने में मोटिवेट करेंगी। इंडिया की बेस्ट ऑडियो बुक समरी ऐप कुकू FM को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 50% ऑफ पाने के लिए DVOBF3577 कूपन कोड जरूर यूज करें। तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू FM ऐप और यूज कीजिए DVOBF3577 कूपन कोड। अगर आप भी अपनी बुक या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कराना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट जरूर करें। 6. रिच लोग दूसरों की तारीफ करते हैं। अमीर सोच रखने वाले लोग सफल लोगों की तारीफ करते हैं, जबकि गरीब लोग सफल और धनी लोगों की निंदा करते हैं या उनसे जलते हैं। इस तरह का माइंडसेट खुद को ही डरा देता है। अगर आप सक्सेस और सक्सेसफुल लोगों की निंदा करेंगे तो सक्सेस आपसे दूर ही जाएगी, पास नहीं आने वाले। निंदा करने या जलने से बेहतर है ऐसे लोगों से सीखें और सक्सेसफुल बने। 7. रिच सोच वाले पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। ऑथर ने एक बहुत अच्छा कोट दिया है, यदि चील की तरह उड़ना चाहते हो तो बत्तखों के साथ रहना छोड़ दो। सही बात है, बत्तख कैसे ऊंचा उड़ना सिखा सकती है। अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे थिएटर या फिल्म से जुड़े लोगों से मिलना जुलना चाहिए। कबड्डी प्लेयर बनने की इच्छा हो तो दूसरे कबड्डी प्लेयर्स के साथ रहना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को दूसरे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ उठना बैठना चाहिए। ऐसे लोग ही आपको सक्सेस के रास्ते पर ले जाएंगे। इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता रहता है। 8. अमीर सोच वाले अपनी वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। अमीर सोच वाले लोग अपनी स्किल्स में पहले बहुत अच्छी वैल्यू डालते हैं, फिर उसे प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटी या खिलाड़ी हैं, वे कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर खुद को प्रमोट करते हैं। इस तरह से लोगों को उनके आने वाले इवेंट्स के बारे में भी पता चलता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं। आप भी अपने स्किल में वैल्यू डालें और सबके सामने लाने की कोशिश करें। अगर आपकी स्किल फेमस ही नहीं है तो लोग आपके पास क्यों आएंगे। अगर आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं लेकिन कभी फंक्शंस में जोक नहीं सुनाएंगे तो सफल कैसे बनेंगे। राइटर अपनी बुक्स की मार्केटिंग नहीं करेगा तो उसकी किताब कौन पढ़ेगा। दूसरी ओर गरीब लोग इन्फीरियरिटी से ऑब्सेस्ड रहते हैं और अपने प्रोडक्ट, स्किल या आर्ट एक्सेट्रा हो तो भी शर्म के मारे किसी को पता नहीं पाते, इसलिए वे हमेशा गरीब रह जाते हैं। 9. अमीर सोच रखने वालों की सोच मुश्किलों से बड़ी होती है। गरीब सोच वाले को जब भी कोई आइडिया बताया जाता है तो सबसे पहले वह उसमें मुश्किलें ढूंढता है। जैसे किसी गरीब सोच वाले को पोल्ट्री फार्म लगाने का आइडिया दो तो वो ये मुश्किलें गिनाने लगेगा। ये कहाँ चलेगा, सुबह कौन उठेगा, चूजे कहाँ से मिलेंगे, इतनी मेहनत कौन करेगा और सबसे खतरनाक, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये सब मुश्किलें हकीकत में है ही नहीं, सिर्फ गरीब के दिमाग में है। आजकल तो इंटरनेट पर सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
सुबह उठना मुश्किल है तो अलार्म लगा लो, शाम को जल्दी सो जाओ। इसलिए कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि ये काम बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, बल्कि बोलना चाहिए मैं इस काम को करने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे सामने वाले को भी लगता है कि आप एक पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं। जॉब में इस वजह से प्रमोशन भी मिल पाती है। 10th, रिच सोच वाले अच्छे रिसीवर होते हैं। इसमें ऑथर बताते हैं कि रिच सोच वाले लोग हर इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं और काम में लग जाते हैं, जबकि पुअर सोच वाले सुनने से पहले ही उसमें हजार बहाने और कमियां ढूंढ लेते हैं और उस काम को ठीक से नहीं करते। ऐसे लोग कहां से रिच बनेंगे? आप खुद सोचिए, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को क्रिटिसाइज ही करता रहे तो क्या होगा? बच्चे के कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, वह इनफीरियरिटी से ऑब्सेस्ड हो जाएगा, खुद को दोस्तों से कम समझेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगी, बेशक वह दूसरों से अच्छा ही क्यों ना हो। 11th, ज्यादा कमाना चाहते हैं तो टाइम की वैल्यू समझे। ऑथर कहना चाहते हैं कि टाइम मनी के बराबर ही होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट संडे को सारा दिन सोया रहता है या खेल कूद करता रहता है, और दूसरा स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ता है, फिर 1 घंटा ब्रेक लेता है, फिर से 1 घंटा पढ़ता है और फिर से ब्रेक लेता है, तो आप खुद बताइए दोनों में किसने टाइम का सही यूज किया? दूसरे वाले ने भी खेल कूद और मौज मस्ती की, लेकिन उसने अपना काम भी ठीक से किया, तो आगे चलकर कौन से स्टूडेंट को ज्यादा फायदा मिलेगा? ऐसे ही जो प्लेयर्स ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा अच्छा करेंगे, या वो जो प्रैक्टिस करने नहीं जाते। इसलिए टाइम की वैल्यू को समझे और इसको सही से यूज करें। 12th, ज्यादा पैसा कमाने की सोच। अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाने की सोच रखते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं ज्यादा पैसे से मन की शांति चली जाएगी, वो सिर्फ शांति को चुनते हैं। आप किसे चुनेंगे, मनी या पीस ऑफ माइंड? ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा आता है तो आप चैरिटी कर सकते हो, इससे पीस अपने आप मिल जाएगी। पैसा बुरा नहीं है, आदमी उसे किस तरह से यूज करता है वो बुरा या अच्छा हो सकता है, इसलिए आप भी दोनों को चुनिए। 13th, रिच लोग पहले सिंपल लिविंग में विश्वास करते हैं। रिच सोच वाले हमेशा सिंपल तरीके से लाइफ जीते हैं। क्या आपको पता है मार्क जुकरबर्ग हर दिन एक ही टी शर्ट पहनते थे? उनके पास 2-3 ही टी शर्ट हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा खरीद नहीं सकते थे, लेकिन कपड़ों के रखरखाव और कौन सा पहनूं, ये सब सोचने में वे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इन छोटी बातों की बजाय इतना दिमाग और टाइम वे अपने काम में लगाना चाहते थे। हम लोग भी उनसे सीख सकते हैं कि सिंपल रहकर अपने गोल्स की तरफ कैसे बढ़े। एक बार सफलता पा ले, बाद में जो चाहे करे। दूसरा यह है कि अमीर सोच वाले पैसे के लालची नहीं होते, पहले वे सेवा करना चाहते हैं, जिससे कस्टमर बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और बार बार उनका सामान खरीदते हैं। आपको पता ही होगा, डोमिनोज का पिज्जा 30 मिनट में न पहुंचने पर फ्री दे दिया जाता है, यही तो उनका सीक्रेट है। उनके इस काम से आप इतना प्रभावित हो जाते हो कि लाइफ में दोबारा जरूर खरीदते हो, क्योंकि आपका ब्रेन भी फ्री का एहसान नहीं लेना चाहता। 14, रिच लोग मनी और प्रॉपर्टी को मैनेज करना जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 10,000 आ जाएं तो क्या करोगे? बहुत से लोग ब्रांडेड कपड़े और एक्सपेंसिव फैशनेबल चीजें खरीद लेंगे या दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा देंगे, लेकिन जिन्हें अमीर बनना है वो ऐसा नहीं करेंगे। वे उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और जो ब्याज बनेगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर लोग खाली पड़ी कार को भी ओला या उबर में डाल देते हैं और काफी पैसे कमाते हैं। अगर घर में खाली कमरा हो तो उसे एयरबीएनबी में डाल देते हैं, जिससे किराया मिलता है। इस तरह वे अपने पैसे और प्रॉपर्टी से और पैसा बना लेते हैं। 15, रिच लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। बहुत सारे लोगों का पैसा सिर्फ बैंकों में सेविंग अकाउंट्स में ही पड़ा रह जाता है, इसमें इनको ज्यादा ब्याज नहीं मिलता और पैसा बढ़ता भी नहीं है, जबकि अमीर लोग पैसे को अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं। 1st, फिक्स डिपॉजिट, 2nd, म्यूचुअल फंड्स, 3rd, बॉन्ड्स, 4th, रियल एस्टेट, 5th, स्टार्टअप, 6th, PPF।
एक्सेट्रा। इससे उनका पैसा अपने आप ही दुगना तिगुना होता रहता है और वे ज्यादा अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, अगर ऊपर दिए गए इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में आपको और जानना है तो रिच डैड पुअर डैड समरी बाय रॉबर्ट कियोसाकी और थिंक एंड ग्रो रिच समरी बाय नेपोलियन हिल जरूर सुने। समरी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। रॉबर्ट कियोसाकी वर्ल्ड के बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर में से एक है। इन बुक्स को डिटेल में जरूर पढ़ें। इनमें आपको वो बारीक चीजें भी पता चलेंगी जिसे हम समरी में कवर नहीं कर पाए। ये बुक सच में आपकी जिंदगी बदल देंगी। बुक्स को परचेज करने के लिए Amazon लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। 16. अमीर सोच वाले डर के बावजूद काम करते हैं। दोस्तों, डर किसे नहीं लगता। अगर आप बिजनेस लगाना चाहते हैं तो डर लगेगा कि कहीं डूब ना जाए। गेम खेल रहे हो तो डर लगेगा कि कहीं हार ना जाए। एग्जाम देने जाते हैं तो डर लगेगा कि कहीं फेल ना हो जाए। लेकिन अमीर सोच वाले फिर भी हिम्मत रखते हैं और अपना काम करते रहते हैं। थोड़ी बहुत असफलता से वे डरते नहीं हैं। एक दिन जीत उन्हीं की होती है। आप भी डरे नहीं बल्कि अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहें। ऊपर दिए सब रूल्स को अपनाएं, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। 17. अमीर सोच वाले हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। अमीर लोग हमेशा नई स्किल्स सीखते रहते हैं। वे नए सेमिनार्स, कोर्सेस और ट्रेनिंग में जाते हैं। इसके लिए वे उम्र के भी मोहताज नहीं होते, क्योंकि किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच वाले सोचते हैं उन्हें सब पता है। वे सिर्फ बड़ी बड़ी ढींगे हांकते हैं और कुछ भी नया नहीं सीखते, इसलिए सारी जिंदगी गरीब रह जाते हैं। दोस्तों, आप भी हमेशा नया सीख सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि डेली इस चैनल पर दी गई अच्छी अच्छी बुक समरीज हिंदी में सुनते रहें। इससे आप दूसरे लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाएंगे। यकीन मानिए, ये किताबें किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन ये वे किताबें हैं जिनमें लाइफ के असली सीक्रेट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बुक से क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और बुक्स को Amazon से जरूर खरीदिए। अगर आप भी अपनी बुक या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कराना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट जरूर करें। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।